नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात एक भयानक हादसे की तस्वीर है जिसमें दो युवकों की जान चली गई, मौके पर जान चली गई। ये भयानक हादसा और इस भयानक हादसे के बाद गाड़ी की जो भयानक तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। तीन दोस्त जो बताए जा रहे हैं, कोलगांव निवासी एक साहिल बताया जा रहा है जिसकी मौके पर मौत हो जाती है, और दो दोस्त जो है वो हथलाना के बताए जा रहे हैं, रजत और संदीप, जिसमें से रजत की भी मौत हो जाती है। अब जो संदीप है वो कहीं ना कहीं जिंदगी की अपनी जंग लड़ रहा है, बताया जा रहा है। आईसीयू में इस वक्त जो है उन्हें रखा गया है। तीनों दोस्त बताया जा रहा है कि निसिंग शादी में जा रहे थे, जिसके बाद रात को बताया जा रहा है कि एक रेत से भरे हुए डंपर के साथ टक्कर हुई, जिसके बाद मौके पर दो युवकों की मौत हो गई और एक को आनन फानन में अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन वो भी आईसीयू में है। हालांकि गाड़ी की बात की जाए तो आगे की एक तरफ से बिल्कुल गाड़ी खत्म है, गाड़ी की छत खत्म है, ड्राइवर सीट तक खत्म है, और आप देख सकते हैं बलेनो गाड़ी ये बताई जा रही है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एयरबैग्स जरूर खुले हैं, लेकिन फिर भी दो लोग आप अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी की हालत देखकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद डंपर और गाड़ी जो अभी तक जानकारी है, क्योंकि इस हादसे का कोई भी चश्मदीद नहीं है, कोई भी चश्मदीद इस हादसे का नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो डंपर चालक और उनका जो कंडक्टर है वो मौके से ही फरार हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर जताया जा रहा है कि डंपर चालक जो रेत से भरा हुआ डंपर है उसके साथ ही ये टक्कर हुई है। हालांकि कोई पुष्टि इसकी नहीं है कि कैसे ये हादसा हुआ, गाड़ी पलटी है या क्या कुछ रहा, लेकिन दो युवकों की मौके पर ही रात को मौत हो जाती है और एक काफ़ी सीरियस हालत में जो है वो आईसीयू में। और अगर आप देखेंगे वो शायद डंपर का जो है वो टुकड़ा नजर आ रहा है। निसिंग थाने की पुलिस है, डंपर को जरूर कब्जे में ले लिया गया, लेकिन जो चालक और कंडक्टर बताए जा रहे हैं वो फरार हो जाते हैं, मौके से ही चले जाते हैं रात को। इसीलिए कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर हादसे का कारण क्या रहा, कैसे जो है इतनी भयंकर गाड़ी आप देख सकते हैं, एक कोल निवासी साहिल है जिसकी मौके पर मौत हो जाती है, एक हथलाना निवासी जो है रजत बताए जा रहे हैं जिनकी मौके पर मौत हो जाती है, और एक जो है संदीप जो आईसीयू में भर्ती है। अगर गाड़ी की बात करें, गाड़ी का नंबर भी आपको एक बार बता दें, HR08Y4829 जो है करनाल से निसिंग रोड पर यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। ये तीनों दोस्त जो है हंसी खुशी शादी में जा रहे थे, शादी में जाने के लिए निसिंग की तरफ जो है इन्होंने जाना, तो शायद डंपर भी बताया जा रहा है उस तरफ से आए, लेकिन टक्कर कैसे हुई और क्या कुछ कारण रहा, क्यों जो है वो डंपर चालक रेत से भरा डंपर बताया जा रहा है अपने डंपर को छोड़कर मौके से ही फरार हो जाते हैं। एक ही युवक को जो है इसमें बचाया जा सका है, एक ही युवक अभी अपनी जिंदगी की जंग जो है कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। अगर आप गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी पर भी लिखा हुआ है साहिल चौधरी, और जिस युवक की जो कोल निवासी है उसका नाम भी साहिल है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। काफी भयानक यह हादसा रहा। हालांकि अभी जो गाड़ी को है वो साइड जरूर करा दिया गया, अगर नीचे की बात करें तो नीचे पूरा खून ही खून जो है वो ब्लड नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों ही बताया जा रहा है कि लगभग 19 से 20 साल की उम्र है तीनों लड़कों की, लेकिन एक भयानक हादसे में दो युवकों की मौत हो जाती है, जबकि एक कहीं ना कहीं काफी सीरियस है आईसीयू में। अगर अंदर की बात करें तो एयरबैग्स वगैरह खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक भयानक यह हादसा रहा। बलेनो जो है ये गाड़ी है, हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि इस गाड़ी को यहाँ से भी हटाया नहीं जा सकता, जिस तरीके की इसकी हालत हो चुकी है लगभग गाड़ी खत्म हो चुकी है। इसीलिए अभी फिलहाल जिस तरीके से इसके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए इसे मौके पर इसी तरीके से अभी तक रखा गया है। दो लोगों की मौत हो गई, हालांकि पुलिस का इस पर कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही जो है आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अगर आप साइड से देखेंगे तो जो है लगता ऐसा नजर आ रहा है कि इस तरफ से जो है ये सबसे ज्यादा टक्कर हुई है, और यहाँ पर अगर छत की बात करें तो वहां पर भी डंपर काफी ज्यादा लगता है कि जैसे डंपर जो है ये गाड़ी डंपर के शायद यहाँ तक नीचे चली गई होगी, क्योंकि यहाँ पर डंपर के निशान भी देख सकते हैं, जिसमें दो युवकों की मौके पर मौत हो जाती है और एक अभी आईसीयू में है, एक कोल निवासी है, एक हथलाना निवासी है, कोल से साहिल बताया जा रहा है और जो हथलाना से रजत बताया जा रहा है, और हथलाना से ही संदीप है जिसकी फिलहाल जो आईसीयू में, और
एक भयानक हादसा। पहिए अगर टायर की बात की जाए वो तक निकल चुका है और डंपर का हिस्सा दिखा दे, काफी ज्यादा जो है आप देखेंगे जंग खाया हुआ हिस्सा जो है ये नजर आ रहा है। इस तरीके के डंपर अक्सर जो है रोड पर चलते हुए देखे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक चलता फिरता मौत का सामान जरूर बन चुके हैं। इस तरीके के डंपर जिनसे लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। एक बार अंदर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि अंदर जो है ड्राइवर सीट की बात हो चाहे अंदर के जो है दूसरी सीट की बात हो, उनके क्या कुछ हालात है आप देख सकते हैं अंदर के हालात। और दो लोगों की मौत हो जाती है। आपको एक बार जो है ये भी दिखा दें कि सामने का अगर इंजन ऑयल वगैरह की बात करें वो पूरी तरीके से सड़क पर बिखरा हुआ है और यहाँ पर चप्पल वगैरह भी जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लेकिन जो कंडक्टर जो डंपर में दो लोग बताए जा रहे हैं वो मौके से ही फरार हो गए, अपना डंपर छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान रखें जब आप गाड़ी चला रहे हैं और रात को किस वक्त किस तरीके के हादसे सामने आते हैं ये शायद कोई समझ भी नहीं पाता। आप देख सकते हैं गाड़ी शायद ये गाड़ी भी साहिल की होगी जिसकी मौत हो गई है, क्योंकि पीछे की तरफ जो है उनका नाम भी लिखा हुआ है, साहिल चौधरी। आप देख सकते हैं उन्होंने अपना नाम लिखा और साथ साथ रोड भी लिखा है क्योंकि उस समाज से वो लोग हैं। लेकिन तीनों लड़कों की मौत हो जाती है। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास अपील उन लोगों से करना चाहेंगे जो रात को ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ट्रक चालक हो चाहे वो डंपर चालक हो, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस तरीके के हादसे जिसमें महज 19-20 साल के लड़कों ने नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। ये तस्वीरें करनाल सिंह रोड से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।